प्राचीर अधिष्ठात्री देवी माँ हिंगुला भक्त नैवेद्य और गुहारे जनवा निजुक्ति नूतन पूजक बापा देहांत पर रीतिनीति अनुजाई अभिषेक कर ज्येष्ठ पुत्र को दिगला दायित्व देखु जितेबाला अपा दायित्व नहीं गले सी आउ बाहर जिनस जो आम पुंजी चावल ढेकीशा जो स्वतंत्र ढेकीशा अच्छी तार कमी मानने जो स्वतंत्र काठ से समार हुए से तो सी दायित्व नहीं पारे ना कारण सी अलग रही पर तो से दायित्व मोर पड़ज केमी माँ को पुंजी चावल अलग सेवायत आम जो भाई मैंने सेवक गण केमी मानने माँ का समा जो समा द्वारा पुंजी चावल प्रस्तुत हम चावल प्रस्तुत हम सहीटा दायित्व मो ऊपर रही है निष्ठार सहित करी जब माँ को इच्छा हम आशीर्वाद अच्छी निहाती आम तो समस्त जानते जगन्नाथ महाप्रभु श्रीजगन्नाथ रससार अधिष्ठा देवी रसगर ठाकुराणी बोली कहते जहाँ पुराण वर्णित होती तो माँ को निश्चय आशीर्वाद रोज आम उपर माँ का आशीर्वाद अनुसार कार्यक्रम माँ का इच्छा अनुसार सब हो पार आज्ञा आम तो साधारण मनीष आम तो मनीष होना आम सबकि आम कर माँ का आशीर्वाद रही निहाती कार्य शीघ्र मानने समापन हो पार तालचेर अधिष्ठात्री माँ हिंगुलांकर जो पूजक थिले तंकर देहांत होइजिबा जुगु केशरी चंद्र देहनी को दायित्व दिया जाइछि नूतन भाव रे जहाँ कि तंकर आज अभिषेक करा जाइछि पारंपरिक भाव रे गोपाल प्रसाद माँ हिंगुलांकर पाखरे पूजा अर्चना करी तालचेर राजवाटी राजा साहेब को पाखरे तंकर अभिषेक करागला एवं माँ कनकेश्वरी को दर्शन करिवा सहित राजा जी दायित्व अर्पण कर नूतन भाव माँ को पूजा अर्चना करने सहित संस्कृति परंपरा को किभली भाव में अक्षुण्ण रखे से तालचेर राजा साहब अवगत करवा सहित सठिक भाव में पूजा अर्चना करने मार्गदर्शन कर जगन्नाथ संस्कृति आउ हिंगुला संस्कृति पूरा अंगांगी भाव जड़ित पुरी जमी जगन्नाथ शाबर संस्कृति आ वैदिक संस्कृतिर मिलन स्थल एटे मत आगे हिंगुला पीठ ठीक से यहाँ रजा जदिव मुख्य किंतु एटे जो देहुरी से हूँ आदिवासी संस्कृतिर प्रतिनिधि तेणु एटे पूजाड़ा हुए आदिवासी संस्कृति नहींक्री कि ब्राह्मण मान कर्म अठस्तरी ए 47 वर्ष तले आमर से जो पुराणा देहुरी मरी जाइले तांको पुओ बड़ पुओ जे सी हेले देहुरी किंतु देहुरी हवापाई सांगे सांगे हूँ सी आसती गोटे संस्कार अच्छी रजा पाखक आसबे एवं जगन्नाथ को दर्शन करेंगे एवं सदल बड़े पाइक आसबे एपे आसना रजा तांको ये रजा को उपढ़ोकरण धरी आसबे पाट वस्त्र राणी पिंधे रजा पिंधे मध्य वस्त्र एठे दिहब दुर्गा वस्त्र दिहब जगन्नाथ वस्त्र दिहब एठे केन्द्रशुणी की वस्त्र दिहब एवं से वस्त्र रजा राजवाटी तरफ रू देहुरी की गोटे पाग भिड़ीदे सी पाग भिड़ेगा देहुरी पूर्वतन पूजकों मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र ये आसन टी अधिग्रहण करते अधिग्रहण करने बहुत गुड़े नीति विधान अच्छे तेणु सीता नित्यकर्म तर जो मृत्युर कर्म गुड़िक सरगला गोटे दिन धार्य कराए से दिन राजवास को आसी देहुरी जे नूतन देहुरी हे तर विधिमत भाव पूजा अर्चना करा जाए रजा को पाक जाती रजा पाट वस्त्र दे अलंकृत करती निर्देश करती तुम ठाकुराणी कर आज ठार पूर्ण दायित्व ग्रहण कर दायित्व ने पूर्व विधि अनुजाई सब अच्छी मदड़ा पाजी अच्छी सब प्रकार जिन अच्छी से अनुजाई सब माँ को पूजा अर्चना कर माँ को सेवा तो जी रीति नैमितिक जी पूर्व होता से प्रकार सेठिकार परंपरा सेठिकार जो सेठी गले आम टे स्नान हम गंगा स्नान हम नूतन वस्त्र परिधान हम माँ को पाखे ये राजवाट जो भोग अर्पण कराए सेठी रखा और ताको स्वतंत्र भाव में गोटे दिन निर्दिष्ट से दिन माँ को पूजा अर्चना कर परंपरा अनुजाई होता समस्त कार्य तालचेर अधिष्ठात्री देवी माँ हिंगुला बदलें मुख्य पूजक बापा मृत्यु पर दायित्व ने पुत्र किशोरचंद्र देहुरी परंपरा अनुसार होता देहुरी अभिषेक किंबदंती कहे पूरी श्रीक्षेत्र धाम सह माँ रही निबिड़ संपर्क शाबर संस्कृति और वैदिक संस्कृति रीतिनीति पूजा पाता माँ हिंगुला पूजक जड़े आदिवासी संस्कृतिर प्रतिनिधि।
1975 ମସିହାରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୂଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଆସୁଥିଲେ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଶୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ଦିଅ ଘରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଏକ ପଟୁଆରେ ଦେହୁରୀ ଓ ପାଇକମାନଙ୍କ ସହ ରାଜବାଟୀସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପଟୁଆରେ ରାଜ ଉଆଁସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜ ଉଆଁସରେ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ତାଳଚେର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ଦେବ ଓ ରାଣୀ ଉଭୟ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ପଗଡ଼ି ପରିଧାନ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧିରେ ଦେହୁରୀ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇ ନୂତନ ପୂଜକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂତନ ପୂଜକ କରିବେ ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତାଳଚେରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।